दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदर यू शुड बाय योर कार ऑन लोन और थ्रू आउटराइट कैश। तो दैट मींस कि क्या आपको गाड़ी लेते हुए लोन लेना चाहिए या फिर आपकी जो सेविंग्स हैं उसके थ्रू डायरेक्ट उसको यूज़ करते हुए आपको गाड़ी लेनी चाहिए। काफ़ी आप नेट पे सर्च करेंगे और इतने फाइनेंशियली काफ़ी सारे फैक्टर्स इसमें निकलते हैं जिससे आपको ये फिगर आउट करने में हेल्प मिलती है कि वेदर यू नीड अ लोन और आपको जब एक गाड़ी लेनी है तो एक्चुअली आपको लोन की ज़रूरत है, आपको लोन लेने का सेंस बनता है नहीं बनता है। तो काफ़ी सारी पॉइंट्स हैं इसमें तो जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम गाड़ी लेते हैं तो एक बड़ा नोशन निकल के आता है कि लोग गाड़ी ले लेते हैं अपने बजट से बियॉन्ड, और उनका बजट होता नहीं है। फॉर एग्जांपल 20 लाख की गाड़ी लेनी है बट उनकी जो इनकम है वो हार्डली 10 लाख पर ईयर है। फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि 10 लाख की इनकम है साल की और आप 20 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो आपका डेफिनेटली सेविंग तो है नहीं, एक साल में तो सेविंग होगी नहीं, या तो आपको दो साल कंटिन्यूसली आपको सेव करना पड़ेगा विदाउट एनी अदर एक्सपेंस जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। और उसके बाद आप 20 लाख सेव करेंगे, इतने आपकी गाड़ी डेफिनेटली 20 लाख से ज़्यादा महंगी होगी। बट एनी वेज अगर आपको वो सेव भी कर लेते हैं देन यू वुड हैव यू नो जस्ट हैव टू स्पेंड दैट इंटायर सेविंग इन योर कार परचेज। तो ये तो एक सिनेरियो हो जाता है। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि आपकी ईयरली इनकम ही अराउंड 25 लाख है और आप 10 लाख की गाड़ी लेते हैं तो यहाँ पे यू वुड हैव इजिली सेव्ड 10 लाख बेस्ड ऑन योर एक्सपेंसिस, जिससे कि आप आउटराइट कार परचेस कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल देने का एक सबसे बड़ा रीज़न तो यही था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अवर फाइनेंशियल सिचुएशन बिफोर बाइंग अ कार। तो आजकल लोग क्या हो रहा है, सिर्फ देखा देखी में गाड़ी ले लेते हैं। अच्छा इसके पास ही गाड़ी है, पड़ोसी के पास ही गाड़ी है, टीवी में ये गाड़ी देख ली। तो देखिए जो अगर आप इन फैक्टर्स को देख के गाड़ी लेते हो तो कभी भी आप सेंसिबल डिसीजन नहीं ले पाएंगे गाड़ी लेते हुए और यू विल जस्ट बाय ऑन योर इमोशनल फैक्टर्स, या तो देखा देखी में या जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट बाइंग अ बिग कार, चाहे आपको उस कार की ज़रूरत है नहीं है, उस कार की जो कैपेबिलिटी है उसकी आपको ज़रूरत है नहीं है। तो ये विदाउट सोचे आप अगर ऐसा परचेस करते हैं देन डेफिनेटली यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन अ फाइनेंशियल क्रंच और वहाँ पे आप लोन लेके और भी बड़ा ब्लंडर कर देते हैं, क्योंकि एनी वेज योर पॉकेट इज टाइटर, यू आर बाइंग डेप्रिशिएटिंग एसेट ऑन लोन। तो सबसे पहले समझने की बात ये आती है कि एक कार जो होती है वो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट होता है। और काफ़ी लोग लिंक्डइन पे आजकल काफ़ी ज्ञान बांटते हैं लोग कि हाउ अ कार इज़ नॉट अ डेप्रिशिएटिंग एसेट और हाउ वाई यू शुड इवन बाय अ कार इवन दो इट इज़ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, वाई यू शुड ओन वन टू। अभी मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों के पास दो तीन गाड़ियाँ हैं बट सारी लोन पे हैं। तो यार एक का तो आप लोन मतलब एक की आप डाउन राइट कैश भी नहीं खरीद पा रहे हो देन वाई यू आर बाइंग ऑन लोन्स। सो मल्टीपल लोन्स ले रहे हैं लोग, ठीक है सबका अपना लॉजिक है बट फॉर द प्रैक्टिकल रीजंस, फॉर द रैशनल रीजंस, इट डजंट मेक एनी सेंस टू बाय कीप बाइंग कार्स ऑन लोन। तो लोन लेने का फ़ायदा कहाँ आता है, जहाँ आपको पता है कि यू हैव अ गुड कैश फ्लो, आपका ईयरली इनकम ही 15 लाख का है फॉर एग्जांपल और आप 5 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, उसमें आप लोन ले रहे हैं बिकॉज यू वांट टू कंजर्व योर कैश दैट यू हैव सेव, देन इट मेक्स गुड सेंस। बिकॉज उसमें क्या है कि यू विल बी बेसिकली यू नो हैविंग दिस कॉन्फिडेंस कि आपका जो कैश सेविंग है, सेविंग के फॉर्म में जो कैश है उसको आप प्रिजर्व कर रहे हैं और अल्टीमेटली जो भी आपका लोन ईएमआई है वो आप इजिली सर्विस कर सकेंगे। तो अब यहाँ पे काफ़ी सारे जो कुछ लोग रीजन्स देते हैं कि लोन का इंटरेस्ट रेट तो बहुत कम हो गया है और आपको इंटरेस्ट रेट इतना मिलता नहीं है सेविंग्स में। तो देखिए अभी तो क्या काफ़ी वेरिएबल चीज़ें हो गई हैं, फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है और काफ़ी महंगा हो गया लोन और आपकी एफडी इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गए हैं। तो अभी तरह तरह के आर्ग्यूमेंट्स इसमें लोग लगाते हैं कि आपको भी अपना लोन लेते हो उतना आपको उतनी की आपको एफडी करा देनी चाहिए या यू नो और फिर लोन लेना चाहिए। तो देखिए लोन में तो आप अल्टीमेटली यू आर नेवर एबल टू सक्सीड, आप सोचते हैं कि आप उतने लाख की एफडी करा देंगे और आपको वो पॉजिटिव कैश फ्लो में देगा, क्योंकि लोन का जो आपका इंटरेस्ट है वही इतना ज़्यादा होता है ओवर द पीरियड ऑफ 3-5 ईयर्स, नो एफडी कैन यू नो ब्रेक इवन दैट। तो डेफिनेटली वो तो एक कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, इट्स एज लॉजिकल एज इट कैन कि आप 5 लाख की एफडी करा दो और फिर 5 लाख का लोन ले लो
और वो आपको प्रॉफिटेबल होगा, तो नहीं वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो ठीक है, जो लोग करते हैं ऐसा, इट्स देयर मनी, हाउ दे वांट टू यूज इट, इट्स अप टू देम। बट एक जेन्युइन जो नीड है लोन की, वो हमें समझनी चाहिए कि क्या हमें गाड़ी पे लोन लेना है या नहीं। तो सबसे पहले आप चेक करें कि आपका कैश फ्लो ईयरली कितना है, आप कितना सेव कर पा रहे हैं, और जो आप गाड़ी टारगेट कर रहे हैं वो आपकी सेविंग्स के इक्विवेलेंट से हाफ है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल, आप साल में अगर आप 5 लाख सेव कर पा रहे हैं या 10 लाख सेव कर पा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको, अगर आपको डाउन राइड कैश से गाड़ी लेनी है, तो आपको अपनी 50% ऑफ सेविंग यूज़ करनी चाहिए। तो आपके, आप साल में 10 लाख सेव कर पा रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनकम, इनकम आपकी 15 लाख हो सकती है, आपके 5 लाख के एक्सपेंस हो सकते हैं और 10 लाख आप सेव कर रहे हो। तो अगर आप अपनी कैश से गाड़ी खरीदना चाहते हो, तो लेट्स नॉट स्पेंड मोर देन 50% ऑफ इट, 50% से ज़्यादा अपना कैश बर्न ना करें एक गाड़ी लेने में, जिसकी डेप्रिसिएशन विल बी ओवर 25% द मोमेंट यू टेक आउट इट फ्रॉम द शोरूम। और इफ़ यू आर बाइंग ऑन लोन, तो डेफिनेटली लोन में क्या है, हम लेवरेज यूज़ कर रहे हैं, वी आर बाइंग आउट अ टाइम विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट देंगे, बट स्टिल वी हैव अ टाइम टू पे इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स। तो उस केस में भी आई वुड रिकमेंड, अगर आपकी 10 लाख की सेविंग्स है, अगेन नॉट इनकम, इनकम आपकी 15 लाख 18 लाख हो सकती है, पर आप 10 लाख सेव कर पा रहे हैं, तो यू शुड नॉट गो फॉर अ लोन मोर देन योर एनुअल सेविंग्स। तो जिससे कि फॉर एनी अनफोर रीजन यू आर नॉट एबल टू सर्विस योर लोन, यू कैन यूज द सेविंग्स जस्ट टू क्लोज अ लोन एंड रिटेन योर कार, और यू कैन सेल योर कार, प्रोसीड विद द सेविंग्स एंड बी गुड विद द कार लोन। ठीक है, तो ये फैक्टर्स मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कुछ फॉर्मुलेस लगाने हैं, ऐसा कुछ समझना है, बहुत ज़्यादा नंबर क्रंचिंग करने की जरूरत भी नहीं है, ऑनलाइन पे आपको हज़ारों टूल्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ प्रैक्टिकल सेंस में बात कर रहा हूँ कि क्या आपको लोन लेना है, चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो इन अ नटशेल, गाड़ी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग लें, देखा देखी में ना लें, जो आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, आपको चलाना ही 5 किलोमीटर पर डे है, तो आप एक हाई एंड SUV 25 लाख के लेके क्या करोगे, रैदर देन बाय अ हैचबैक और जस्ट फॉर योर दैट नीड्स। आपकी रनिंग ही अच्छी है, यू नीड, यू डिजर्व अ गुड कार इन दैट वे कि यू नीड अ कैपेबल व्हीकल, देन बाय अ बिग कार। तो योर कार परचेज शुड बी ऑन योर एक्चुअल नीड्स एंड नॉट ऑन योर सोशल एस्पिरेशंस। सोशल एस्पिरेशंस को लेके यू कैन बाय, बट देन यू हैव टू कीप योर फाइनेंसिस इन चेक। सो आज के इस टॉपिक में इतना ही। तो आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद यू विल बी एबल टू मेक अ सेंसिबल डिसीजन कि वेदर यू वॉन्ट टू स्पेंड योर कैश, योर सेविंग्स ऑन द कार परचेज, और यू वॉन्ट टू गेट इट ऑन लोन। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका पॉइंट, व्यू पॉइंट क्या है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल के मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।